हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे फिन निफ्टी के बारे में। तो कल जैसे मंगलवार को फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। फिन निफ्टी और निफ्टी का चार्ट थोड़ा सिमिलर सा होता है थोड़ा सा, ये देखेंगे आप। तो बस हाँ, इनकी वैल्यू अलग है यहाँ पे इनसे। तो ये आज बंद हुआ है यहाँ पे 18928 के यहाँ पे। तो सेम इसी तरह से निफ्टी ने मोमेंटम दिया है यहाँ पे। इसने भी अपना देखो, कल फ्राइडे का जो लो था यहाँ पे उसको ब्रेक नहीं करा, मतलब थोड़ा सा वीक बनाई थी वहाँ पे नीचे, उसके नीचे वहाँ पे गया नहीं, सस्टेन नहीं करा। ठीक है, तो वहाँ से अच्छा खासा उसमें रिकवर दिया, यहाँ पे रिकवरी दिया, अच्छा मोमेंटम दिया। अब ये 18928 के यहाँ पे बंद हुआ है, तो इसको पहला रेजिस्टेंस कहाँ मिल सकता है, वो है 18944 के यहाँ पे। हो सकता है कि यहाँ पे ऊपर जाए थोड़ा सा, इस जगह पर टच करे इसको, और यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल जाए इस जगह पर। तो अगर रिजेक्शन मिलता है इसको यहाँ से पूरी नीचे की तरफ आता है, तो हमें काफी अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। ये गैप अच्छा है इसमें, तो गैप फिल करने के लिए काफी अच्छा है यहाँ पे मोमेंटम है। ठीक है, और अगर यहाँ पे जाता है, निकलता है और ऊपर ब्रेकआउट होता है, तो 19,000 का जो लेवल है यहाँ पे, वहां तक आराम से फिर ये फिर निफ्टी के जा सकता है। और 19,008 के अगर लेवल है यहाँ पे, अगर ये ब्रेक हुआ तो 19072 का जो लेवल है यहाँ पे है। देखिए एक चीज है ना, अभी बहुत टाइम से मार्केट गिरा हुआ था, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तो आज जो हुआ है ना, ये ना शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें यहाँ पे, क्योंकि मार्केट अगर एक तरफ बहुत दिनों से एक ट्रेंड में गिरा है यहाँ पे, तो उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी आना वापस, लेकिन देखो इतना जाना आइए वो अलग बात है, बाकी हाँ एक शॉर्ट कवरिंग में रिकवरी आना बन जाता है यहाँ पे। आज इसने क्या, एक पैरेलल लाइन थी यहाँ पे, उसको भी ट्रेंड को तोड़ा भी है। ये मैंने ऑलरेडी अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स में उसमें बताया था वहां पे। तो ये देखिए यहाँ पे भी इसने एक ब्रेक करा इसको, तो ये ट्रेंड यहाँ से चेंज हुआ था, इसमें जो डाउन ट्रेंड चला था इसका यहाँ पे प्रीवियस डे का, प्रीवियस सेशन का, तो वो इसमें चेंज हुआ यहाँ पे आज। ठीक है, तो ये यहाँ पे हुआ था। इसमें सपोर्ट कहाँ पे आ सकता है यहाँ पे, तो पहला सपोर्ट मिलेगा इसको 18797 के आसपास से लेकर 18815 के वहां तक का। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो ये यहाँ तक का एक इसमें सपोर्ट मिल जाएगा इस जगह पर। ठीक है, ये तो पहला सपोर्ट हुआ इसका, एक रेंज के यहाँ का। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे माइनर एक सपोर्ट आएगा यहाँ पे 18766 का, यहाँ पे ये वाला आएगा। इसके बाद मेन तो ये है 18722 का। फिर अगर ये गिरने लगेगा ना, तो फिर नेगेटिविटी वापस आ सकती है, क्योंकि देखो अभी भी है ना, ऐसा नहीं है कि बीयर्स वगैरह ने एकदम मार्केट को नॉर्मल कर दिया। वो ठीक है, शॉर्ट कवरिंग हुई है, उन्होंने भी अपना प्रॉफिट बुक वगैरह की होती है, तो वो हुआ है वापस, वो मार्केट में एक्टिवेट हो सकते हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। और आज यूएस मार्केट बंद थे, तो वो चीज का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब कल यूएस मार्केट से वापस ओपन हो जाएंगे, तो उनका इम्पैक्ट देखेगा, वहां पे वो ओपन होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, वो चीज ध्यान रखने की होगी, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे पूरे इंडियन मार्केट पे पड़ता ही है। वो चीज हम कितना भी उसको कर लें, ये चीज का ध्यान रखने का है। तो आपको ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे सकती है वो हमने देख लिया यहाँ पे, सपोर्ट कहाँ मिल सकता है वो वाले लेवल है यहाँ पे। तो ये सपोर्ट अगर यहाँ से ब्रेक होगा, तो फिर काफी अच्छे चांसेस है फिर ये लेवल ब्रेक करके यहाँ पे आएगा, क्योंकि आज मार्केट ने क्या देख रहा है, देखो इस जगह पर बहुत अच्छा यहाँ पे एक टाइम फ्रेम निकाला है, देखो ये वाला चीज का। तो इसका जब ब्रेकआउट दिया ना, तो ये एक रेंज अच्छी बन जाएगी यहाँ पे, तो ये काफी अच्छा रेंज बनेगा यहाँ पे। तो इस सपोर्ट को अगर ये लेवल को ब्रेक करता है, तो काफी अच्छा मोमेंटम नीचे गिर सकता है। अगर आज भी देखो यहाँ से अगर ये इस रेंज को यहाँ पे करके अगर नीचे गिरता, तो काफी अच्छा मोमेंटम इस जगह आता, पर इसमें मार्केट ने क्या करा, ऊपर इसी जगह से ब्रेकआउट दिया यहाँ से, फिर इसी जगह रिटेस्ट करा और यहाँ से वापस वापस ऊपर मूव दिया यहाँ पे। तो वो चीज ध्यान देने की है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।